हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पांचाल। तो आज मैं और विनीत ऐसे ही बैठे हुए थे और विनीत ने एक वीडियो मुझे देखा है उनके मोबाइल पे, तो वो वीडियो देखते ही हम दोनों की पुरानी यादें ताजा हो गई। और आरती जिस वीडियो की बात कर रही है वो वीडियो था जो मैंने और आरती ने शादी के बाद हनीमून ट्रिप पे हम जो मालदीव्स गए थे वहाँ का। तो फ्रेंड्स, वो जो ट्रिप मालदीव्स ट्रिप हमने करी थी वो तो आज से लगभग 3 साल पहले हमने करी थी। तब हम व्लॉगिंग भी नहीं करते थे और ये चैनल भी नहीं थी, तो व्लॉगिंग की तरह तो हमने वहाँ की ट्रिप कवर नहीं कर पाए। क्यों आरती, सही कह रहे हैं? पर हमने सोचा कि हमारे जो फोटोज और वीडियोज है उसके द्वारा आपको हमारी यादों का वीडियो बना के एक दिखाए, ताकि आपको भी आइडिया है कि कैसे हमने हमारी ट्रिप प्लान करी थी और कितना एंजॉय करा था। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे वीडियोज, मतलब हम हमारी यादें आपके साथ शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, एक और बात, ये ट्रिप जो हमने मालदीव्स की करी थी इसमें मैं आपको सिर्फ वीडियोज और कुछ पिक्स जो हमने उस समय हमारी ट्रिप में ली थी वो शेयर कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि इस पूरे वीडियो में आपको एंगेज रख सकूँ। पर हाँ, मैंने और आरती ने ये भी सोचा कि क्यों ना हमारे व्यूअर्स को हम, है ना, इस पूरी ट्रिप में हमारा कितना बजट लगा था उस समय और हम कहाँ गए, कैसे गए, वो सब भी थोड़ा सा, हाँ, आपको भी आइडिया है, आपको हाँ, अगर प्लान करना हो तो हेल्प हो जाए हमारे। हाँ, तो व्यूअर्स शुरू करें मालदीव्स की ट्रिप। जरूर वो व्लॉगिंग नहीं है, पर मुझे पूरी उम्मीद है, क्यों आरती, कि आप लोगों को पसंद आएगा ये। तो लेट्स रो। तो व्यूअर्स, मैं और आरती मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रात को 3 बजे पहुंच गए, और हमारी जो फ्लाइट थी श्रीलंकन एयरलाइंस की वो मॉर्निंग को 6:30 थी। अब ये था कि ये जो श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी ये कोलंबो होते हुए हमें माले एयरपोर्ट मालदीव्स ले जाने वाली थी, और हम जब 6:30 बोर्ड किए तो लगभग जो हमारा रीचिंग टाइम था मालदीव्स का वो 2:00 दोपहर को था। और बहुत अच्छी रही है फ्लाइट की ट्रिप, और ये टोटल जो कॉस्ट हमें इस फ्लाइट की रिटर्न ट्रिप्स के इंक्लूडिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो थी 52,000 रुपीज। तो व्यूअर्स, आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में कि मैं स्पीड बोट में बैठी हूँ, तो ये स्पीड बोट जो है वो हमें रिजॉर्ट की तरफ से ही अरेंज करी थी उन लोगों ने। इसका जो टोटल कॉस्ट था रिटर्न जाने का वो 30,000 था फॉर विनीत एंड मी। और जैसा कि आप देख रहे कि हम लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं स्पीड बोट को। तो व्यूअर्स, जैसे आरती ने आपको बताया है, ये स्पीड बोट की जर्नी हमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लिया था। हमने जो रिजॉर्ट बुक करा है उसका नाम है बियादू रिजॉर्ट, और जो बियादू रिजॉर्ट हमने बुक करा वो मैंने फ्रेंड्स बहुत रिसर्च करा, और मेरे बजट में मुझे सबसे अच्छा रिव्यू वाला ये रिजॉर्ट मिला, बियादू रिजॉर्ट। बियादू रिजॉर्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो मुझे इंटरनेट के थ्रू पता चली थी वो यही थी कि इसके आसपास जो ये आइलैंड है जिसपे बियादू रिजॉर्ट बना हुआ है, इस आइलैंड के आसपास बहुत ही अच्छी और सुंदर एक्वेटिक लाइफ है। तो मैंने उसी बेसिस पे मैंने, है ना, मतलब ये रिजॉर्ट बुक करा। हमने ये रिजॉर्ट 4 डेज के लिए बुक करा था, और ये 4 डेज में हमने इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब कुछ मिला के इस पूरी, है ना, मतलब रिजॉर्ट की हमें कॉस्ट जो पड़ी थी वो थी 68,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, हम जैसे आप देख सक रहे होंगे अभी वीडियो में, हम स्पीड बोट में निकल चुके हैं हमारे रिजॉर्ट बियादू रिजॉर्ट की ओर। और व्यूअर्स, मैंने स्पीड बोट से उतर के जो रिजॉर्ट का नजारा देखा, मैं तो विनीत को बोलने लग गई कि वाह, व्हाट अ ब्यूटी। और सच बताओ तो इतना पीसफुल लग रहा था मुझे वहां पे।
आरती ने जैसे बताया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे और आरती को ये वियादू रिजॉर्ट का जो सीनिक व्यू था वो इतना अच्छा लगा व्यूअर्स। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब है ना मतलब सी वाटर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सी वाटर सही में समुद्र का पानी सी वाटर ही है, क्योंकि इतना साफ पानी, मतलब आपको पूरा मतलब कि है ना पानी के अंदर की जमीन और उसमें तैरती हुई सारी मछलियां क्लियर दिख रही थी। सो रियली इट वाज अ वेरी वेरी मैग्निफिसेंट व्यू। और व्यूअर्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वियादू रिजॉर्ट जिस है ना मकसद के लिए चूज किया था वो था उसके आसपास की एक्वेटिक लाइफ। और आप देख सकते हैं यहाँ की एक्वेटिक लाइफ कितनी सुंदर है। क्रैब्स आपके बिल्कुल पास में हैं, और आप थोड़ा सा पानी में जाओगे तो आपको तरह तरह की मछलियां देखने को मिलेगी। सो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल रियली। व्यूवर्स, ये विनीत और मेरी सबसे मेमोरेबल ट्रिप थी अभी तक की एब्रॉड की। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूँ कि हमने मालदीव्स की ये जो ट्रिप करी थी ये फेब्रवरी मंथ में करी थी, और मालदीव्स नवंबर से लेके मार्च सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप अपनी ट्रिप उसके अकॉर्डिंग ही करना अगर आपको कभी भी फ्यूचर में मालदीव्स की ट्रिप करनी है। पीक सीजन में मालदीव्स बहुत कॉस्टली है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपको तरह तरह के रिजॉर्ट्स मालदीव्स में मिल जाएंगे जिसमें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुकिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने इस जो ट्रिप को किया था उसकी टोटल हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। तो हमें इस पूरी ट्रिप की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 पड़ी है। सो व्यूअर्स, आज का अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और आरती देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं वीडियो देखने पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 सपोर्ट आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड टिल आवर नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, सी यू।